अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.7 और क्वेश्चन नंबर 1। रेनु वाज परचेसेस टू बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इसको ध्यान से समझते हैं। पहले रेनु क्या करती है, दो बैग्स खरीदती है और किस चीज़ के फर्टिलाइजर यानी खाद होती है हमारे जो पौधों में डाली जाती है उसको, उसके दो बैग्स खरीदती है जिसमें पहला जो होता है उसका वजन होता है 75 किलोग्राम यानी 75 किलोग्राम एंड जो दूसरा बैग होता है उसको हम उसका वेट होता है 69 किलोग्राम। क्लियर। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी हमें ऐसा वेट तैयार करना है जो उसे पूरा पूरा तोल दे। यानी मान लीजिए एक बाट तैयार करना है आपको, बाट समझते हैं, मान लीजिए 5 किलो का बाट, 2 किलो का, 3 किलो का, हमें ऐसा ना करना पड़े, कोई और बाट का इस्तेमाल करना पड़े। मीन्स वो ऐसा नंबर तलाश करना है हमें कि वो पूरा पूरा उन दोनों को डिवाइड कर सके। क्लियर हुई बात। मान लीजिए जैसे कि अगर दो बैग्स होते हैं हमारे 15 और 12 का, तो हम कह सकते हैं वो 3 जो है उन दोनों को डिवाइड कर सकता है। इट मीन्स 3 क्या है हमारा, उनका बाट बन जाएगा। क्लियर। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए सबसे पहली चीज तो जहां मैक्सिमम नजर आ जाए, जहां मैक्सिमम नजर आ जाए तो समझ लीजिए वहां क्या करना है हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, और जहां मिनिमम नजर आ जाए वहां समझ लीजिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है मैक्सिमम, तो हमें क्या करना है, सिर्फ एचसीएफ निकालना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो नंबर्स क्या है, 75 एंड 69। तो इन दोनों के जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 75 के फैक्टर्स करेंगे, किससे होगा, 3 से होगा सीधा, तो 3 2 जा 6, 1 इधर चला गया 15 और 3 5 जा 15, अभी 5 से जाएगा 5 5 और 5 1। क्लियर। उसके बाद है 69 के जब फैक्टर्स करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, अब ये डायरेक्ट 23 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 23 क्या है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों में सिर्फ एक 3 ही कॉमन नंबर है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, इज इक्वल टू 3, तो 3 ही हमारा आंसर होगा। और हम कह सकते हैं मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम 3 है, यानी 3 से 3 क्या होगा, मान लीजिए हमें जो है किसी चीज में नापना है, अगर नापने का ये नापने की चीज होती, मान लीजिए पानी की कोई चीज है, ठीक है, तो हम 3 किलो का एक जग बना लिया हमने और 3 किलो भरा फिर डाल दिया, 3 किलो भरा फिर डाल दिया, यानी क्या हमें हाफ नहीं करना है उसको। ठीक है, जो हमारा टाइम्स है, नंबर ऑफ टाइम्स, वो एकदम क्लियर, ये 3 जो है इन दोनों नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ एचसीएफ निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 3 लड़के हैं जो क्या साथ में एक ही जगह से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और तीनों के स्टेप यानी जो उनके कदम की दूरी है वो कितनी है, एक की 63 सेंटीमीटर है, एक की 70 सेंटीमीटर है और एक की 77 सेंटीमीटर है, यानी कितने लंबे कदमों से वो दौड़ेंगे या चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब हमें ये बताना है कि वो सभी जो है कितने बड़े स्टेप्स लेंगे कि वो एक जगह यानी पहुंच जाए। तो एक बार और पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, यानी हर एक करना चाहिए कवर सो दैट
ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अब देखिए यहाँ पर मिनिमम की बात आ रही है, मिनिमम यानी कम से कम कितने कदम लेने चाहिए उनको कि वो पहुँच जाए, पहुँचने के लिए कितने कदम लेने चाहिए उनको, और वो भी कंप्लीट स्टेप्स यानी आधा स्टेप, स्टेप यानी कदम। तो हमें क्या करना है, पूरे पूरे स्टेप्स लेने हैं तो कितने कदम लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक जगह है तो वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें कितने कदम लेने पड़ेंगे, कंप्लीट स्टेप्स। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ तक ये जल्दी पहुँचेगा जो तेज दौड़ने वाला, मतलब जिसके लंबे कदम होंगे वो जल्दी पहुँचेगा, और अगर छोटे कदम वाला है तो देर से पहुँचेगा, और छोटे कदम वाला है और देर से पहुँचेगा। यानी देर से पहुँचने का मतलब वो ज़्यादा कदम रखेगा, लेट पहुँचने वाला जो जल्दी पहुँचने वाला है वो कम कदम रखेगा। तो हमें स्टेप्स बताने हैं वो कितने स्टेप्स लेंगे, तीन। क्लियर हुई बात, चलिए आप समझ लेते हैं जरा क्वेश्चन को। तो हमें क्या करना है, मिनिमम की बात कर रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है। तो मिनिमम में हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स में बताया था आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आसान तरीका यह है, हम तीनों को एक साथ रख देते हैं, क्या रखते हैं, तीनों नंबर्स को एक साथ रख देते हैं और हमारा वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है 63 के बाद 70 और 70 के बाद 77, ठीक है। तो अब बताइए 2 से कोई इनमें से डिवाइड हो सकता है, यस 2 से ये डिविजिबल है, तो अब हम 2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जो नहीं हो रहे डिवाइड उनको एज इट इज लिख देंगे, 63 ऐसे लिख जाएगा, ये 35 आ जाएगा हमारा, और ये भी हमारा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखेंगे कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब 3 से देखेंगे, क्या 3 से कोई डिविजिबल है, यस ये 3 से डिविजिबल है, तो अब 3 लेंगे 2 एंड 1, ये हो गया डिवाइड, और इसके बाद ये 35 भी नहीं हो रहा, 77 भी नहीं हो रहा 3 से डिवाइड, तो ये नंबर्स ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर 3 से देखेंगे, 3 से अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, तो फिर 3 लेंगे और 7 टाइम में डिवाइड हो गया, 35 एज इट इज उतार देंगे और 77 भी एज इट इज उतार देंगे, क्यों 3 से हुआ ही नहीं। अब देखिए क्या 7 से डिवाइड, अब सॉरी पहले 7 नहीं, अभी हम 3 के बाद 5 देखेंगे, आपको सीक्वेंस से ही पढ़ना है 2 3 3 अब क्या 5 लेना है, ठीक 5 है, 7 नहीं होगा, 7 एज इट इज उतार दो, 5 7 का 35 और फिर 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद 5 के बाद 6 से कोई नहीं होगा, 7 से होंगे, 7 मतलब 7, 7 मतलब 7 और 7 7, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो 1 1 बन गए, इसको और बनाना 11 मतलब 11, जब 1 1 बन जाए ना वहीं पर हम खत्म कर देंगे, याद रखिएगा सीक्वेंस से ही बनाएंगे तो आपको मुश्किल कम होगी, ठीक है। तो अब हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमने शुरू में समझा था अच्छी तरह, अब इन सब की मल्टीप्लाई जो होगी वो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर 3 एंड मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो टोटल करेंगे कितना आएगा, 11 7 का 77 और या कुछ कुछ भी कर लीजिए, 2 3 का 6 6 3 का 18 मल्टीप्लाई 5 7 का 35 मल्टीप्लाई 11, अब इन तीन की कर लीजिए, इस तरीके से आसान हो जाता है, यानी हमने इन तीन की कर दी, इन दो की कर दी, इसके और ऐसे जान दिया। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों की कर लेते हैं, या तीनों की एक साथ कर लीजिए इस तरफ रख के, 18 11 जब 11 8 का 88 का 8 कैरी 1 8 11 1 का 11 और 8 19 198 हो गया। अब 198 की मल्टीप्लाई में 35 से करनी है, 35 से करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं, 5 8 का 40 0 कैरी 4 5 9 का 45 एंड 4 49 का 4 कैरी 4 5 1 का 5 एंड 4 9 क्रॉस 3 8 का 24 का 4 कैरी 2 और 3 9 का 27 और 2 29 का 9 कैरी 2 और 3 मतलब 3 एंड 2 5 0 एंड 9 4 13 1 कैरी और 10 19 का 9 1 कैरी 1 और 5 6, तो हमारा आंसर आ गया
6930 ठीक है 6930 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल इतने उन्हें क्या करने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे सभी को। ये आप देख रहे हैं हमने 6930 सेंटीमीटर है। अब अगर सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा और हम डायरेक्टली लिख देते हैं, या इस तरफ मैं करके भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे आगे क्या करना है, 6930 अपॉन में 100 और मीटर। अब मीटर में आ चुका है तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हमारा यहाँ पर पॉइंट लगाएगा, यानी कि 69.3 मीटर, ठीक है। इतनी मीटर वो दूरी चले गए, या यूँ कह दीजिए कि ये क्या है, मीटर में आपकी एलसीएम आ गया, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। द लेंथ ब्रेड एंड हाइट ऑफ द ऑफ रूम आर 825 मीटर, 675 सेंटीमीटर, इसी तरह 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप व्हिच कैन मेजर द देयर डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमारे पास इस तरह का एक रूम है, ठीक है, मान लीजिए इस तरह का रूम है आपके पास, और आपने क्या करना है, आपने उसमें मान लीजिए ये हाइट है और ये आपकी ब्रेथ है और ये लेंथ है, ये तीन चीजें हमारे पास, डायमेंशन यही रहेंगे हमारी। इन डायमेंशंस को आप किसी फीते से, फीता जानते हैं, इंची टेप से आपको नापना है, ठीक है। और उस नापने में आपको ये ख्याल रखना है, सभी को नापने के लिए आप किस फीते का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए ज्यादा बड़े बड़े मतलब डायमेंशन है और आपके पास फीता छोटा है, तो आपके पास कितना छोटा फीता हो, मतलब कितना बड़े से बड़ा फीता हो जो सभी को नाप सके, यानी ऐसा ना हो कि भाई और पूरा नापे, ऐसा नहीं। मान लीजिए आपका एक फीता है तो दो बार में इसको नाप लिया, या इसको एक बार में नाप लिया, इसको तीन बार में नाप लिया, लेकिन वो पूरा का पूरा नापे, ऐसा नहीं कि हमारा फीता जो है हमने नापा और यहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, यहीं तक रहना चाहिए, या यहाँ दो बार में हो जाए या तीन बार में हो जाए, बट क्या होना चाहिए, पूरी तरह नापे हो, उसका कुछ बाकी ना रहे फीते का। तो हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट टेप पूछ रहा है, तो लॉन्गेस्ट टेप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों नंबर्स के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, कॉमन नंबर निकालना पड़ेगा, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो देखते हैं 825 के फैक्टर्स और इसी तरह 675 के फैक्टर्स, ठीक, इसी तरह आपके 450 के फैक्टर्स। तो अब हम एक एक करके निकालते हैं इनके फैक्टर्स, और फैक्टर क्या होगा, ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 से, 5, 7 और 8, 15, यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम में, और 1 इधर चला गया तो 12 हो गया, 3 4 सर सॉरी 2 जाएगा ना इधर, तो 3 7 सर 21 और 1 इधर से इधर चला जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आपको करना है डिवाइड अलग से, यानी 3 ऐसे लेना है और फिर इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, जो यहाँ आंसर आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। फिर दोबारा आप देखेंगे क्या 3 से डिविजिबल है, 2 5 7 7 7 14, नहीं, अब 3 से डिविजिबल नहीं है, और अब देखेंगे 5 से, तो 5 से डिविजिबल है, यस, 5 5 25 और 5 5 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, यस, 11 टाइम और 11 11, ये फिनिश, क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं, यहाँ 3 से डिविजिबल है, 5 और 6 11 और 7 18, यस, 3 से डिविजिबल है, तो 2 टाइम में और फिर 2 टाइम में और फिर 1 इधर पहुंच गया 15, और ये 5 टाइम में, अगेन ये 3 से डिविजिबल है, यस, 21 और 1 इधर चला गया 15 और 5 टाइम में, ये फिर 3 से डिविजिबल है, यस, 3 से अभी भी डिविजिबल है, तो 2 टाइम एंड 1 इधर चला गया 15, तो 5 टाइम, अब 5 से डिविजिबल होगा और ये 5 से 1 टाइम खत्म, क्लियर। चलिए अब इसकी बारी आखिरी, तो ये 2 से डिविजिबल है, यस, 2 से डिविजिबल है, 2 एंड 2 एंड 5, क्लियर। अब ये 3 से डिविजिबल है, यस, 3 से है, तो 7 टाइम और ये 1 15, 5 टाइम, 5 से
अभी हम 3 से एक बार और कर सकते हैं, तो 3 से 3 2 से 6 1 इधर 15 एंड 5 से 5 5 इधर 25 एंड 5 5 1 ठीक है। तो हमारा ये नंबर्स आ गए यानी कि ये फैक्टर्स आ गए। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन फैक्टर्स के कॉमन निकालेंगे। 825 बराबर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 11 क्लियर ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 675 और 333 एंड 5 3 3 3 एंड 3 एंड 5 ठीक। इसी तरह आपको यह है 450 और इसके फैक्टर्स है हमारे पास 2 3 3 5 5 2 3 3 5 एंड 5 क्लियर। 825 के फैक्टर्स ये है, 675 के फैक्टर्स ये है और 450 के फैक्टर्स ये है, हमने नीचे उतार दिए। अब क्या करेंगे इनमें कॉमन नंबर देखेंगे, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तीनों में क्लियर, 2 कॉमन नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है ठीक है। और उसके बाद 5 देखें तो 5 यहाँ है 5 यहाँ है और 5 यहाँ है ठीक है। इसी तरीके से एक और 5 है 5 5 एंड 5 ठीक। अब देखें इसके अलावा कोई और नंबर जो तीनों में मौजूद हो, यहाँ पर 2 बार 3 है, यहाँ पर 1 बार 3 है लेकिन यहाँ पर 1 भी 3 नहीं है, यहाँ पर 11 है, इन दोनों के पास 11 नहीं है। इट मीन्स जो भी नंबर हमें एचसीएफ के लिए लेना है उसके लिए क्या जरूरी है कि वो तीनों नंबर में मौजूद होना चाहिए तभी हम एचसीएफ के लिए लेते हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या रहेगा, एचसीएफ इज इक्वल टू सबसे पहले 3 एंड 2 टाइम 5 ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स सॉरी एचसीएफ निकल कर आया 3 5 जा 15 15 5 जा 75 तो 75 सेंटीमीटर का हमारा क्या होना चाहिए, हमारा फीता होना चाहिए जिससे कि हम मापेंगे इनको क्लियर हुई बात। मींस 75 से अगर हम डिवाइड करके देखें तो 825 को हम पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह 675 को भी और 450 को भी हम पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। इट मींस हम अगर ये हाइट हमारी कितनी है 825 है तो हम क्या करेंगे 75 के फीते से 4 या 5 बार जितनी बार में भी नापेंगे हम पूरा पूरा नापेंगे। आई होप आपके पास समझ में आ गई होगी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 एंड आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।